पारिवारिक विवादों में तीन तलाक कहकर महिला को घर से निकालने के मामले थमते नजर नहीं आ रहे हैं। शनिवार को मंडलेश्वर थाना क्षेत्र के नांद्रा में ब्याही गई रेशमा ने अपने पति आशिक सहित ससुराल पक्ष के लोगों पर बेरहमी से पिटाई के बाद पति द्वारा एक ही बार में तीन तलाक कहकर घर से निकालने की शिकायत की है। महिला ने आरोप लगाया कि पति अवैध संबंधों के चलते उससे आए दिन मारपीट करता है। इस मामले में पति सहित सास, ससुर, जेठानी, ननन, मौसी भी प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाते हुए सभी पर कार्यवाही की मांग की। एसपी कार्यालय पहुंचकर सौंपे शिकायती आवेदन में रेशमा ने बताया कि निकाह के 6 साल होने के बाद भी पति के रवैये में कोई बदलाव नहीं आया। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। दो बच्चे, दो लड़के, दो ही लड़के, दो ही लड़के क्या नाम है उसका? आशिक नाम। तुम्हारा? रेशमा। रिक्शा पिकअप। अभी वो बोला क्या बोलता है मेरे को? और तीन तलाक का बोलता है। आशिक नाम है उसका। क्या काम करता है? वो ड्राइवर है। काहे के लिए मारता है? क्या कारण? वो मेरी जिठानी के बदले मारता है। शादी कितना समय हो गया? 6 साल हो गए। 6 साल से मार पीट कर रहा है। परिवार वाले नहीं कुछ बोलते? वो बोलते सही पर वो सुनता नहीं। ले जाता वापस और थोड़े बहुत दिन दे देता है, मार कुछ वापस करता है। ससुराल पक्ष का व्यवहार अच्छा है? नहीं, वो ससुराल वाले सभी ऐसे सभी मारते है। वो उसके तरफ सब बोलते। अब क्या चाहते हो? मैंने देख समझा था, करने सोचा था, समझा नहीं। कहाँ रहते हैं आप? मैं तो अभी मेरे पियर रह रही, भोगाव रह रही, महीना भर हो गया। ससुराल कहाँ का है? नांद्रा का। कब से झगड़े चल रहे हैं? ये महीना भर होगा, 17 जनवरी का। 17 जनवरी को उसने मैं। क्या एसपी साहब से क्या मांग की आपने? आवेदन दिया है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।